जय हिंद दोस्तों, आप लोग का कैसी तैयारी चल रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका जो ये अवसर चल रहा है, यानी कि आपका जो ये समय चल रहा है, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, यानी कि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आई होप आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छी खासी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर जॉब का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी में आना चाहते हैं, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब होने के बाद 8 घंटा एनी हाउ आपको ड्यूटी करना पड़ता है। कहने का मतलब, ना तो इसमें ठंडी दिखेगा आपको, ना बारिश दिखेगी, ना गर्मी दिखेगी, ना नींद दिखेगी, यानी कि आपको किसी कंडीशन में 8 घंटा ड्यूटी देना पड़ेगा। किसको? रेल को। तो यही मेथड, यही रूल, यही नियम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको ना तो ठंडी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, यानी कि कहने का मतलब आप अपना तैयारी सही ढंग से, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में कर पाएंगे। तो आइए, मेरा जो टारगेट क्लास है, यानी कि आप लोगों को बताए थे, जैसा कि डायमेंशन, डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जो प्रत्येक शिफ्ट के प्रत्येक डेट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो उन्हीं को आज हम क्लास 3 में, टारगेट 3 में लेकर के आए हैं। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखो, कार्य कार्य बराबर पढ़े होंगे आप, जब मैट्रिक किए होंगे, 10th किए होंगे, उसी टाइम पढ़े होंगे। कार्य बराबर जो होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब बल लगाते हैं, उस जिस दिशा में विस्थापन होता है, उसी दोनों का जो मल्टीपल होता है, उसी को हम कार्य करते हैं। कहने का मतलब, ये कलम है, इस पर हम बल लगा दिए, बल लगा दिए, देखो यहाँ था, यहाँ से बल लगा के यहाँ फेंक दिए, यानी कि बल लगा दिए, बल की दिशा में विस्थापित हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, समझ गए? यानी W बराबर F इंटू S। F क्या है? F क्या है? बल है। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन है, जिसको भी S से सूचित किया जाता है, S से डिनोट किया जाता है। ये हो गया कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू S। अब देखो, इस पे फॉर्मूला, इसी पे सवाल पूछ दिया जाता है आपसे, ग्रुप डी में इसी पे सवाल पूछ दिया जाता है, और लड़का नहीं बना पाता और वो फंस जाता है। सवाल, या तो फिर देखो, एक व्यक्ति, ये जैसे कलम है, 5 न्यूटन का ये ऑब्जेक्ट है, रखा हुआ है, इस पर बल लगाए और 5 मीटर की दूरी तक विस्थापित हुआ, तो इसके द्वारा कार्य क्या गया? क्या गया? कार्य बराबर क्या लगाएंगे? फॉर्मूला W इंटू एफ एस। इसका अगर यूनिट पूछेगा क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को किसमें मापेंगे? कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ आ गया, यानी इसको किसमें मापेंगे? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। तो ऐसा यूनिट क्या क्या हो गया आपका? ऐसा यूनिट क्या क्या हो गया? न्यूटन मीटर या जूल। यानी कि आपसे अगर एग्जाम में ऐसा यूनिट कार्य का पूछे, तो नॉर्मल सब कैंडिडेट, प्रत्येक कैंडिडेट जानता है जूल होता है, लेकिन अगर जूल ऑप्शन में ना रहे तो क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर। अगर ये दोनों भी ऑप्शन में ना रहे, तब क्या कीजिएगा? तब आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? जब हम टारगेट 2 पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू मीटर था तो मीटर। देखो, 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, क्या हो गया? 2 मीटर। सेकंड माइनस टू था, सेकंड माइनस टू, यानी तीसरा जो ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि कार्य का 3 मात्रक हो गया। आपसे अगर एग्जाम में तीनों दे दे और चौथा ऑप्शन दे दे, ऑल ऑफ दी, इनमें से सभी, तो सभी पे टिक करना है। क्या क्या हो गया? न्यूटन मीटर, एक जूल हो गया, एक हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप टारगेट 2 जरूर देखना, उसमें आपको ये बल का मिल जाएगा, बल उसमें हम बता चुके हैं। तो इसका अगर डायमेंशन पूछे, भैया डायमेंशन क्या होगा? आप अगर इसका डायमेंशन निकालोगे, तो देखो केजी को किसमें, इसका सिंबल क्या होता है? एम। मीटर का क्या होता है? एल। 2 था ऊपर पे 2। समय का क्या होता है? टी। -2 था, -2। इस तरह से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसीलिए हम बोले थे कि अगर आप ये याद रखते हो कार्य बराबर क्या होता है, इससे आप ऐसा यूनिट और डायमेंशन दोनों चीज निकाल सकते हैं, और इस पे आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। इसीलिए इसको याद करना है, और याद नहीं करना है, समझना है। इसीलिए बोले थे रटना नहीं, सीखना है। तो आइए देखिए क्या है शक्ति। शक्ति यानी कि पी। शक्ति को पी से, यानी पावर, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, और इसको पावर पी से डिनोट किया जाता है। शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, यानी कार्य करने की दर, यानी कि कार्य को किसे सूचित करते हैं? W से, वर्ग, और समय को T से, यानी कार्य करने की दर, कितने समय में कार्य किया गया, उसको हम शक्ति कहते हैं। हम बोल सकते हैं P बराबर W अपॉन T, यानी W बाय T। इसी पे फॉर्मूला, इसी पे सवाल पूछ दिया जाता है।
आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है यार 5 सेकंड में 10 जूल कार्य किया, तो कितना उसका जो पावर है, कितना उसके अंदर जो पावर की शक्ति लगाया गया कितना, इसी पे सवाल पूछ दिया जाता है। या फिर इस चीज को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी, ये इधर चलाएगा पी इंटू टी, पावर और समय दे देगा, पूछेगा कितना जूल कार्य किया, तो इस पे भी आप सवाल बना सकते हैं। इस पे भी एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो एसआई यूनिट ऑफ पावर यानी पी, पी का एसआई यूनिट क्या होगा, देखो कार्य का क्या होता है अभी जस्ट बताए जूल, क्या होता है जूल, और इसका क्या होता है समय, तो क्या हो गया जूल पर सेकंड, यानी कि शक्ति का एसआई यूनिट क्या हो गया जूल पर सेकंड। इसी को अगर ये एग्जाम में ना मिले तो आप क्या करोगे, क्या करना है, जूल का भी क्या बताया हम केजी मीटर, जूल का क्या बताया जूल का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एक सेकंड नीचे था तो एक सेकंड हम नीचे रख दिए। देखो ये ऊपर जाएगा तो एस माइनस टू पहले था, ये माइनस वन जाएगा यानी एस माइनस थ्री हो जाएगा, एस माइनस टू ऑलरेडी है, ये एस वन है ना, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा एस माइनस थ्री, और ये जब गुना होगा क्या हो जाएगा माइनस थ्री, एस माइनस थ्री, एस माइनस वन और माइनस टू गुना होगा क्या होगा सॉरी ये गुणन पावर क्या होता है, अगर पावर ये बेस समान रहता है पावर क्या होता है जुट जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री, तो के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री, यानी कि आपका शक्ति का ऐसा यूनिट अगर पूछे आपसे तो बोलेंगे जूल पर सेकेंड, अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो बोलेंगे के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री, ठीक है। ये दो वो इसका ऐसा ही यूनिट हो गया, और दोनों आपको होठ पे रहना चाहिए, और होठ पे ये रहना चाहिए, ये अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद पूछेगा डायमेंशन, भैया डायमेंशन बताओ, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन बोलेंगे केजी का एम और मीटर का एल, टू था टू, समय का थ्री टी, और इसका माइनस थ्री था तो माइनस थ्री। इस तरह से आप इसका एसआई यूनिट यानी कि एक फार्मूला से अगर ये आप ध्यान में रखते हैं तो इससे आप फार्मूला न्यूमेरिकल एसआई यूनिट डायमेंशन आप इतना कर पाएंगे, बताओ आपका क्वेश्चन छूटेगा, आपका नंबर क्यों नहीं बढ़ेगा, एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा, आप ऐसे करके देखो। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 HP यानी कि 1 horsepower बराबर का है 746 watt। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 1 HP बराबर कितना होता है तो आप बोलेंगे 746 watt। देखो कार्य और ऊर्जा का अभी जो मात्रक बताए यूनिट बताए उसके अलावा और बहुत सारी यूनिट होती है जो उसको आपको देखना है, क्या देखते एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए किसी भी हालत में। तो देखो अभी कार्य या ऊर्जा का मात्रक वाट सेकंड, वाट सेकंड अभी जस्ट बताया, अभी हम बताए कि पावर यानी शक्ति बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाय टी होता है कि नहीं होता है, तो अगर आप इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बराबर क्या होता है पी इंटू टी, पी क्या होता है पावर, इसको किसमें मापते हैं वाट में, और टी क्या है समय, यानी इसको किसमें मापते हैं सेकंड में, तो बताओ कार्य बराबर क्या हो गया वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड, कार्य बराबर क्या हो गया वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड आप बोल सकते हो, यानी कार्य बराबर क्या हो गया वाट इंटू सेकंड, आप बोल सकते हो कार्य ऊर्जा बराबर क्या हो गया वाट इंटू सेकंड। तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, एक एक चीजें तोड़ के बता रहे हैं, तो क्या हो गया कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो गया वाट सेकंड, और 1 watt second बराबर कितना होता है 1 joule होता है, ये भी ध्यान में रखना कि कार्य का ऐसा मात्रक होता है वाट सेकंड, और अभी जो बताया वो तो होता ही है उसके अलावा ये भी होता है, इसीलिए इतना सारी मात्रक याद रखना है आपको, वाट सेकंड हो गया 1 watt second बराबर 1 joule होता है, और ये तो हो गया एक। इसके अलावा देखो ये तो हो गया यहां आपका 1 watt second इतना और ऐसा यूनिट इतना, अब इसके अलावा देखो वाट घंटा भी, अब देखो सेकंड के अलावा हम यहाँ घंटा भी तो लिख सकते हैं, वाट तो रहेगा ही लेकिन सेकंड को हम घंटा में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे ही मात्रक वाट घंटा भी होता है, और इसको जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो वो एक घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड, ये आप सबको पता है, तो 1 watt घंटा बराबर कितना होगा 1 × 3600 बराबर ये हो गया सेकंड, बराबर क्या हो गया 3600 जूल। अगर आपसे पूछे कि 1 watt घंटा बराबर कितना होता है तो आप बोलेंगे 3600 जूल। उसी तरह हम कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक किलो वाट घंटा, यानी कि वाट घंटा की जगह किलो भी लगा सकते हैं हम, वाट घंटा, अभी इनको वाट सेकंड की जगह क्या लिखे वाट घंटा में हम किलो भी लगा सकते हैं, तो 1 kW घंटा बराबर कितना बोलेंगे तो 1000 watt × 1 घंटा, 1000 watt × 1 घंटा इतना बोलेंगे, एक घंटा को भी हम किस में बदलेंगे 3600 सेकंड में, तो 1000 × 3600, तो वन इसको अगर गुणा कीजिएगा तो देखो 2 0 यहाँ है 3 0 यहाँ 5 0
पांच जीरो हो गया, यानी कि 3 36 पर 5 जीरो, और दशमलव रख के रखोगे तो 3.6 × 10⁶ हो जाएगा, क्योंकि 5 उधर हो रहा है और ये 1, यानी कि देखो 1 2 3 4 5, देखो अगर इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा जाता है, 10⁶ ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल, इतना होता है। तो कार्य या ऊर्जा का ऐसे मात्रक कितना सारा हो गया, देखो इस फॉर्म में वाट सेकंड जिसको हम जूल बोलते हैं, 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल, वाट घंटा जिसको हम क्या बोलते हैं 3600 जूल, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, ये हो गया किलो वाट घंटा जिसको बोलते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। सबको यानी कि जूल पे ही आना है, क्योंकि ओरिजिनल जो मात्रक होता है इसका जूल ही होता है, इसीलिए सबको फिर अगेन जूल पे ही आना है। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है ये दे दे जूल दे दे, न्यूटन मीटर जो अभी हम बताए वहां पे वो दे दे। और देखो शक्ति का मात्रक क्या क्या होता है, शक्ति बराबर अभी जस्ट बताया, शक्ति बराबर हम क्या बताया अभी, ये सबको हम मिटाते हैं थोड़ा सा इसको, देखो शक्ति बराबर क्या बताया, P बराबर क्या होता है W/T, क्या होता है W/T। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या क्या होता है, वाट, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जूल पर सेकेंड या वाट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वाट, यानी शक्ति का ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड या फिर वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वाट, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं, शक्ति का ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट। वाट हो गया किलो वाट, इसमें हम किलो भी लगा सकते हैं और मेगा वाट भी लगा सकते हैं, HP भी लगा सकते हैं। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या क्या हो गया, एक तो जूल पर सेकेंड, देखो यहाँ फिर से शक्ति का ऐसा मात्रक क्या क्या हो गया, जूल पर सेकेंड या इसी को वाट बोलते हैं, इसी में हम किलो वाट लगा सकते हैं, इसी में मेगा वाट लगा सकते हैं, और लास्ट में होता है HP यानी शक्ति होता है। 1 2 3 4 5 इतना सारा हो गया शक्ति का ऐसा मात्रक। तो ये हो गया शक्ति का ऐसा मात्रक, जूल पर सेकेंड, वाट, किलो वाट, मेगा वाट, HP, ये सारे शक्ति का मात्रक। देखो शक्ति और ऊर्जा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। देखो शक्ति में क्या है ना, वाट लगा है, किलो वाट लगा है, मेगा वाट लगा है, जबकि इसमें समय नहीं लगा है, इसमें समय नहीं लगा है, लेकिन कार्य जब करते हैं तो उसमें समय लगता है। मेरे द्वारा जो कार्य किया गया कितने समय में किया गया, कुछ ना कुछ तो समय लिए होंगे ना, तो उस समय इसीलिए इसमें समय लगेगा, या तो सेकंड रहेगा, या अगर इस फॉर्म में रहे तो या सेकंड रहेगा, ये घंटा रहेगा, या फिर यहाँ पे किलोवाट घंटा रहेगा, यानी कि घंटा यानी समय, उसमें समय जुड़ा हुआ रहेगा। कार्य मतलब कार्य और शक्ति में कंफ्यूज नहीं करना है। तो कार्य और शक्ति में कंफ्यूज नहीं करना है। तो कार्य में क्या होगा, समय जुड़ा रहेगा और शक्ति में समय नहीं जुड़ा रहेगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह हो गया इतना। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे जो मतलब कि रह गया है इससे आगे बताएंगे। अभी हमको ड्यूटी निकलना है, एक्चुअली मेरा ड्यूटी लग गई है 7:45 ड्यूटी लग गई है, और अभी हमको ड्यूटी निकलना है, वहाँ से हमको ट्रेन यानी कि गाड़ी लेकर के खड़गपुर जाना है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, आप लोग तैयारी करते रहिए, और इससे रिलेटेड कुछ ऐसा दिमाग में हो, आपको क्वेश्चन अगर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर आता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।